इस वीडियो में हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, पूरा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एयरपोर्ट में सबसे पहले तो इसी का स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एरोप्लेन समझने से पहले उसके क्या क्या पार्ट्स हैं या जो जो चीज़ें हैं वो सब समझने से पहले एयरपोर्ट में क्या क्या होगा हमें वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे डिपार्चर आपको दिख रहा है, इसके यहाँ पे पास में ही पार्किंग एरिया है, यहाँ पे डिपार्चर होगा, यहाँ से लोग आएंगे और फिर स्क्रीन्स के थ्रू बैगेजेस वगैरह चेकअप होंगे, ठीक है, यहाँ से चेकिंग वगैरह ट्रैवलर स्क्रीन वगैरह होगा, एटीएम्स वगैरह होंगे, ठीक है, यहाँ से ये जाके फिर ट्रैवलर वेटिंग एरिया भी यहाँ पे है, शॉप्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं गेट्स, ठीक है, ये गेट्स है, इसके थ्रू पैसेंजर्स यहाँ से जाएंगे और एरोप्लेन्स में जाके बैठेंगे, है ना, ये गेट्स है। और ये जो एरोप्लेन्स है यहाँ पे जब पैसेंजर्स इसमें बैठेंगे यहाँ से ये टैक्सी वे के थ्रू होके निकलेंगे प्लेन, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट जो होगा वो टैक्सी वे से होके जाएगा और रनवे पे जाएगा, ठीक है। जब ये रनवे पे जाएगा रनवे से ही ये टेक ऑफ करेगा और रनवे पे ही इसकी लैंडिंग होगी, ठीक है। तो रनवे जो होगा वो उसकी लेंथ वगैरह, इसकी डायमेंशंस, ये सब, ये सारी की सारी इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो ये एरिया हो गया टैक्सी वे और रनवे, और यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एरिया है, यहाँ पे सर्विस एंड रिपेयर वगैरह होगा, इसे हम हैंगर बोलेंगे, ठीक है। एप्रन एक पोर्शन होगा जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये मतलब अगर टेक ऑफ हुआ उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट गया और फिर उसके बाद जब वापस आएगा एयरक्राफ्ट उसमें लैंडिंग वगैरह होगी, और जब लैंडिंग होगी फिर यहाँ से ये अराइवल होगा, इस साइड से निकल के आएंगे और सिटी की तरफ लोग चले जाएंगे, ठीक। अब हमने एयरपोर्ट के बारे में समझ लिया, अब हम एयरक्राफ्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। पहले तो फोर्सेस ऑन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर सबसे पहले आता है थ्रस्ट, थ्रस्ट आता है, जो थ्रस्ट इज फॉर द मूवमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट के लिए थ्रस्ट होता है, ठीक है। फिर आता है इसके ऊपर ड्रैग, ठीक है, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, जो ड्रैग है वो वेलोसिटी कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट की। फिर आती है लिफ्ट, लिफ्ट होती है मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बॉडी इन अ मीडियम, जब भी एक मीडियम में बॉडी मूव करेगी तो लिफ्ट होगी। हम ड्रैग और लिफ्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़ा ही है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे एक बॉडी होती है वो मीडियम में होती है तो ड्रैग और लिफ्ट दो फोर्सेस आती है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बॉडी का वेट, When the weight becomes equal to the lift, aircraft will move in the horizontal direction. जब वेट जो होगा वो लिफ्ट के बराबर हो जाएगा तो बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अल्फा जो है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स आएगी लिफ्ट फोर्स, ठीक है, ये जो है लिफ्ट फोर्स है और ये ड्रैग फोर्स है, ठीक है। अब इसमें ड्रैग फोर्स जो हो जाएगी वो पी साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है, पी साइन अल्फा होगी और ये आगे पी कॉस अल्फा, तो इसका रिजल्टेंट जो है ये है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पी है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। यहाँ पे ये लिफ्ट आ रही है, ये एक ड्रैग आ रहा है बॉडी पे, ठीक है, ये एक बॉडी है, फ्लैट प्लेट है जिसके ऊपर एक लिफ्ट आ रही है, ये एक ड्रैग आ रहा है, ये समझाने की कोशिश करेगी ये कि एयरप्लेन में भी इसी तरीके से एक लिफ्ट आती है और एक ड्रैग आता है, ठीक है। तो जब जैसे ही ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो ये अल्फा है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होता है, जैसे ये इंक्रीज होता है ड्रैग कंपोनेंट आल्सो इंक्रीजेस, मतलब ड्रैग कंपोनेंट इंक्रीज होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट फास्ट होगी, एंड द लिफ्ट कंपोनेंट रिड्यूसेस, मतलब कि लिफ्ट कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जो एयरप्लेन है वो लैंडिंग कर पाएगा, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे ही इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होने से लिफ्ट फोर्स जो लिफ्ट कंपोनेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और ड्रैग कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा और एयरप्लेन लैंडिंग कर पाएगा। और इसका उल्टा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो डिक्रीज करता है
तो जो ड्रैग कंपोनेंट है वो भी डिक्रीज करेगा और लिफ्ट कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, और इसी की वजह से टेक ऑफ कर पाएगा एयरप्लेन, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब इसके बाद आता है हमारे पास ये एयरप्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है ये। अब अगर हम इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे सबसे पहले ये वाली डायग्राम हम देखेंगे। अब जो एयरक्राफ्ट है इसके ये दो विंग्स हैं, विंग्स के एंड टू एंड तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम विंग स्पैन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो है इस वाली डायग्राम से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे इसके व्हील्स है, ठीक है, एक यहाँ पे व्हील होगा एक यहाँ पे होगा। ये जो पीछे वाले व्हील्स होंगे इसको मेन गियर बोला जाएगा, यहाँ पे दो व्हील्स होंगे ना, इसको मेन गियर बोला जाएगा दोनों व्हील्स को। और जो फ्रंट वाला होगा यहाँ पे ये नोज होगी, ठीक है, इसको नोज बोलेंगे, यहाँ पे पीछे टेल बोलेंगे, ठीक है। तो जो नोज के पास वाला व्हील होगा उसको नोज गियर बोलेंगे, फर्स्ट व्हील को हम बोलेंगे नोज गियर, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब डिस्टेंस होता है मेन गियर और नोज गियर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो व्हील बेस होगा, और जो मेन गियर्स जो होंगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो गियर थ्रेड होगा, ठीक है, गियर थ्रेड, ठीक है। और इस जो ये एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, इसके बीच का नोज से लेके टेल तक का डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ हो जाएगी, ठीक है, नोज से टेल तक का डिस्टेंस लेंथ हो जाएगी। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टेल, जो टेल का बिल्कुल ऊपर तक का जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ये पोर्शन हो गया, अब हम आते हैं मेन जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स क्या क्या होती है। सबसे पहले तो ये शेडेड पोर्शन जो है, ये यहाँ पे जितना भी शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन क्या है, ये है फ्यूजलेज, ठीक है। इस फ्यूजलेज को हम बोलेंगे बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट जो कैरी करेगा पेलोड, फ्यूल वगैरह, ठीक है। मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट नोज से लेके टेल तक ये होता है फ्यूजलेज, और इसी के साथ विंग्स वगैरह अटैच्ड होती हैं। और ये किसके लिए होता है, फॉर फ्यूल, कॉकपिट, पैसेंजर्स, कार्गो, पावर प्लांट, इसी में सारी मेन मेन चीजें इसी में आती हैं, ठीक है। ये है कॉकपिट, यहाँ पे आपको पता है यहाँ से कमांड कंट्रोल वगैरह वगैरह सारा कुछ यहीं से होता है ना, यहाँ पे ये नोज है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये आते हैं विंग्स, ठीक है, ये दोनों विंग्स हैं, ठीक है। ये विंग्स क्या करते हैं, ये जेनरेट करते हैं लिफ्ट, विंग्स की हेल्प से लिफ्ट जेनरेट होती है, और ये सपोर्ट करते हैं मशीन इन एयर, ठीक है। बाकी के पार्ट्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि एयरक्राफ्ट जो होगा, एयरक्राफ्ट के थ्री प्रिंसिपल एक्सेस होंगे, थ्री कंट्रोल्स होंगे, उसके थ्री प्रिंसिपल एक्सेस होंगे, जो कि मतलब उसका अलग अलग एक्सेस में जो कंट्रोल होगा, मूवमेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सेस में जो मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट अबाउट एक्स एक्सेस होगी उसको हम रोलिंग बोलेंगे, ठीक है, रोलिंग बोलेंगे। और जो वाई एक्सेस के अबाउट एक एयरक्राफ्ट की मूवमेंट होगी उसको हम पिचिंग बोलेंगे, और जेड एक्सेस के अबाउट एयरक्राफ्ट की जो मूवमेंट होगी उसको हम योइंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है, ये हम डायग्राम में भी देखेंगे। एलिवेटर जो होगा वो कंट्रोल करेगा पिचिंग, और रडर जो होगा वो कंट्रोल करेगा योइंग, ठीक है, और एलेरोन जो होगा वो कंट्रोल करेगा रोलिंग, ठीक है। एक्स एक्सिस में रोलिंग जो होगी उसको कंट्रोल करेगा एलेरोन, योइंग जो जेड एक्सिस में होगी रडर कंट्रोल करेगा, एलिवेटर कंट्रोल करेगा पिचिंग जो कि वाई एक्सिस में होगी, ठीक है। अब हम आते हैं डायग्राम पे फिर से, ठीक है, और इसे जूम इन करते हैं और देखते हैं जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे अगर हम इसके विंग्स देखें, यहाँ पे विंग्स में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लैप है, ठीक है, ये फ्लैप है, ये चेंज करेगा, चेंजेस द लिफ्ट एंड ड्रैग इन एन एरोप्लेन, ठीक है, एयरक्राफ्ट में चेंजेस लिफ्ट एंड ड्रैग। फिर उसके बाद एरोलोन है जो चेंज करेगा रोलिंग, रोलिंग मतलब मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेट्स बॉडी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे इसके फ्रंट में स्पॉयलर, लिफ्ट एंड ड्रैग जो चेंज करेगा, और रोटेटिंग जो होगी, रोटेटिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, ये जो है ये भी स्पॉइलर देखेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है स्लेट्स, ठीक है, स्लेट्स करेंगे चेंज लिफ्ट,
ठीक है, ये सब चीजें होगी, ये आ जाएगी हमारी विंग्स में जो होगा, ठीक है, ये फ्रंट विंग्स है इसमें आगा। अब आता है टेल विंग, यहाँ पे टेल पे भी विंग्स होते हैं, ये वाला टेल विंग जो है ये मैंने सेपरेटली यहाँ डायग्राम बना रखी है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था एलिवेटर जो होगा वो चेंज करता है पिचिंग, मतलब जो अप एंड डाउन मूवमेंट होगी वो एलिवेटर देखता है। रडर जो होगा वो योइंग देखता है, चेंजेस योइंग, साइड टू साइड मूवमेंट। टेल विंग है यहाँ पे, एलिवेटर और रडर के सिवाय वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर कंट्रोल करता है योइंग और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कंट्रोल करता है पिचिंग, ठीक है। ये टेल विंग का मैंने पूरा सेपरेटली इतने पोर्शन का डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद इंजन के बेसिस पे एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको क्लासिफाई करा जाएगा कि इंजन कौन सा यूज करा गया है। जैसे कि पिस्टन इंजन होगा, इट इज ड्रिवन बाय प्रोपेलर एट लो ऑल्टीट्यूड एंड मॉडरेट स्पीड, ठीक है। पिस्टन इंजन वाला जो एयरक्राफ्ट होगा ड्रिवन बाय प्रोपेलर एट लो ऑल्टीट्यूड एंड मॉडरेट स्पीड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट, जिसमें आएगा टर्बोजेट, टर्बो प्रोपल्शन और रैम जेट, ठीक है। ये तीन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जो कि ये टर्बो जेट जो होगा वो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए सुटेबल होगा, टर्बो प्रोपल्शन जो होगा वो लो एंड हाई दोनों ऑल्टीट्यूड्स के लिए यूजफुल होगा। रैम जेट जो होगा इसमें नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, इसीलिए ये हाई स्पीड के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रॉकेट इंजन, इसकी ऑल्टीट्यूड की कोई लिमिट नहीं होगी कि ये यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये अपना खुद का कैरी करेगा ऑक्सीजन, इसीलिए जो रॉकेट इंजन होते हैं उनके लिए ऑल्टीट्यूड की लिमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपेलर, प्रोपेलर क्या चीज है। अब यहाँ पे हमने देखा था पिस्टन इंजन इज ड्रिवन बाय प्रोपेलर, तो प्रोपेलर क्या है, टू और मोर ब्लेड्स विच आर ड्रिवन राउंड इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। और जो ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट में आगे फ्रंट में जो ब्लेड्स होंगे, ब्लेड्स डिफ्लेक्ट एयर बैकवर्ड विद एन एक्सेलरेशन एंड दस फॉरवर्ड थ्रस्ट इज इम्पार्टेड टू द एरोप्लेन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम फॉरवर्ड थ्रस्ट जो होंगे वो जनरेट कर सकते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं एरोप्लेन में, इसीलिए इसका यूज करा जाता है। और यहाँ पे फ्लैप्स हमने देखा था, ये विंग्स पे यहाँ पे फ्लैप्स होती हैं, ठीक है। फ्लैप्स क्या चीज है, यहाँ पे फ्लैप्स क्या होता है, हिंज्ड सेक्शन इन एयरप्लेन विंग्स यूज्ड इन लैंडिंग और टेक ऑफ, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसको देख लिया हुआ पिछली वाली जो डायग्राम थी, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम फ्लैप्स बोलते हैं ना, तो ये एक हिंज्ड पोर्शन होता है, ठीक है, इतने पोर्शन को हम फ्लैप्स बोलते हैं। अब इसके बाद जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड जो होती है, एक एयर स्पीड होती है, एक होती है ग्राउंड स्पीड। एयर स्पीड हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलेटिव स्पीड होगी, मतलब हवा में जब होगा एयरक्राफ्ट तो ये एक रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। तो मतलब ये मीडियम के जो एयर जो मीडियम होगा उसमें जो स्पीड होगी वो वाली स्पीड हो जाएगी और एक ग्राउंड स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं एयर स्पीड और ग्राउंड स्पीड क्या होगी एयरक्राफ्ट की। द क्रूजिंग स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 500 km/h If there is headwinds of 50 km/h, 50 km/h की headwinds है, then the air speed and ground speed of aircraft will be, यहाँ पे air speed क्या आ जाएगी, air speed होगी हमारे पास जो aircraft की speed है, cruising speed, ठीक है। इसमें से हम जो headwinds जो होंगी वो opposite direction से आ रही होंगी, उसकी जो headwinds की speed है, हेड विंड स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास है 500 km/h माइनस 50 km/h, ये हमारे पास आ जाएगी 450 km/h हमारी आ जाएगी एयर स्पीड, ठीक है। और ग्राउंड स्पीड क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्पीड जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी, ठीक है, क्रूजिंग स्पीड जो होगी वही हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्पीड 500 km/h। के बाद है एयरक्राफ्ट वेट्स, एयरक्राफ्ट वेट्स में आएगा मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट, ग्रॉस टेक ऑफ वेट मतलब जो मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट होगा वो मैक्सिमम लोड विच द एयरक्राफ्ट इज सर्टिफाइड टू कैरी, ठीक है। टेक ऑफ के टाइम पे जो एयरक्राफ्ट पहले से सर्टिफाइड है कि इतना वेट वो कैरी करेगा, वो जो होगा वो मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट होगा, ठीक है। ये जिसने एयरक्राफ्ट बनाया होगा वो कंपनी पहले से ही बता के
रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमम स्ट्रक्चर लैंडिंग वेट। अब लैंडिंग वेट जो है वो हमेशा टेक ऑफ वेट से कम होगा क्योंकि बीच में कुछ फ्यूल कंज्यूम होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टेक ऑफ वेट एंड द वेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम ड्यूरिंग द ट्रिप इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट, मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। ये एक नोट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, और वैसे ही हमें याद रहेगा क्योंकि लैंडिंग वेट हमेशा कम होगा, ये बात इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम स्ट्रक्चर लैंडिंग वेट मतलब कुछ होना चाहिए ये पर्टिकुलर लिमिट, इससे कम नहीं होना चाहिए ये वेट, ठीक है। अगर इससे कम हो जाता है, देखो हमें पता था कि लिफ्ट जो होगी वो किससे बैलेंस करी जाती है, हमने पहले भी देख लिया था कि लिफ्ट जो होगी वो बैलेंस करेगा वेट, ठीक है। लिफ्ट को वेट बैलेंस करेगा, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा था ना, वेट व्हेन द वेट बिकम्स इक्वल टू लिफ्ट एयरक्राफ्ट विल बी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमेशा हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कुछ मैक्सिमम लैंडिंग वेट हमें चाहिए होगा हमेशा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट जब टेक ऑफ करा जाता है और हमें पता चलता है कि थोड़ा सा ही मूव करने के बाद अगर पता चलता है कि लैंडिंग वेट उतना नहीं होगा, मतलब कि अगर जब लैंडिंग करेंगे टेक ऑफ के टाइम पे ही थोड़ा सा आगे चल के हमें पता चल जाता है कि लैंडिंग टाइम पे उतना वेट नहीं होगा, तो उसी टाइम पे लैंडिंग करवा दी जाती है ताकि जो वो वेट है उससे कम हो जाए, तो वो बहुत बड़ा एक रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट आ जाता है जिसमें इंक्लूडेड है क्रू एंड ऑल द नेसेसरी गियर रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइट, ठीक है। इनका क्रू का वेट और नेसेसरी गियर्स का जो वेट होगा फ्लाइट के लिए, जो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। फिर उसके बाद आता है पेलोड। पेलोड क्या है? टोटल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग लोड। रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग लोड जो है टोटल, उसको कहेंगे पेलोड। और इसमें क्या क्या आएगा? वेट ऑफ पैसेंजर्स, बैगेजेस, मेल, कार्गो, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। मेल वगैरह हो गए कि जो हम पार्सल्स वगैरह जो मंगवाते हैं वो हो गया, ठीक है, बैगेजेस हो गए पैसेंजर्स के, कार्गो हो गया, इन सब चीजों के सिवाय जो होगा, ठीक है, ये सब आ गया पेलोड में। फिर उसके बाद आता है जीरो फ्यूल वेट। जीरो फ्यूल वेट क्या है? वेट ये है वेट अबाउट विच ऑल अबव विच ऑल एडिशनल वेट मस्ट बी फ्यूल। इसके सिवाय जो और एडिशनल वेट होगा वो फ्यूल का ही वेट होना चाहिए। और जीरो फ्यूल वेट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट, ठीक है, एक तो ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट वाला जो होगा ये भी इंक्लूडेड होगा, और मैक्सिमम पेलोड जो होगा ये भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब ये दो एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने रूल्स वगैरह रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह है एयर ट्राफिक के लिए, ठीक है, और इन्होंने रनवे को क्लासिफाई करा, मतलब एयरपोर्ट्स को क्लासिफाई करा हुआ, ठीक है। सबसे पहले है FAA जो कि है फेडरल एविएशन एजेंसी, ठीक है, सबसे पहली। दूसरी है ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने एयरपोर्ट्स को क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रनवे लेंथ और इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है विजुअल फ्लाइट रूल्स और इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, ठीक है। अब ये दो जो है, अब ये क्या है? विजुअल फ्लाइट रूल्स मतलब कि अगर वेदर क्लियर होगा तो जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो पायलट वगैरह होंगे, ठीक है, वो देख के ही, विजुअली देख के ही अपना एस्टिमेट करके लैंडिंग करवा देंगे। और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स क्या है? इसमें क्या होगा? नेविगेशन यूजिंग ग्राउंड बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। अगर वेदर खराब होगा तो इसका यूज करा जाएगा, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन की हेल्प से नेविगेट करा जाएगा और लैंडिंग वगैरह भी करवाई जा सकती है। मतलब एयरक्राफ्ट जो होगा वो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन उसकी करी जाएगी, उसी की हेल्प से वो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग क्लियर वेदर कंडीशन द एयरक्राफ्ट ऑन फाइनल अप्रोच टू रनवे कैन बी स्पेस्ड क्लोजर।
अगर देख के हम क्लियर वेदर के टाइम पे VFR विजुअल फ्लाइट रूल्स हम लेंगे, तो उसकी हेल्प से अगर हम देख के ही विजुअल फ्लाइट रूल्स की हेल्प से ही अगर हम एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करवाते हैं, तो क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट होंगे वो एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड होंगे एज कंपेयर टू द पुअर विजुअल कंडीशंस के टाइम पे, ठीक है, तो वो थोड़ा क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक कैस्टर एंगल। कैस्टर एंगल क्या है? फॉर्म्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नोज गियर। नोज गियर की मूवमेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट जो होगी उसके बीच में जो एंगल होगा उसको हम कैस्टर एंगल बोलेंगे। फिर उसके बाद मार्किंग्स ऑन रनवे जो होगी वो व्हाइट कलर में होंगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बाउंड्री ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ एट हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट क्या होगा? जो हेलीकॉप्टर्स के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है, ये एयरपोर्ट के साइड में भी हो सकता है, और ये सेपरेटली इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं पे एच बना हुआ है और ऐसे ऐसे करके बिल्कुल इस तरीके से होगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो होंगे वो टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे जो हेलीपोर्ट्स होंगे उनकी बाउंड्री ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ जो होगी एल्यूमिनेटेड बाय एम्बर लाइट, ठीक है, एम्बर लाइट से एल्यूमिनेट करा होता है इसको, मतलब इसमें होती है लाइट्स जो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टूल। स्टूल मतलब ये कैपिटल में होगा STOL, ठीक है, ये क्या होता है? शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स को हम शॉर्ट फॉर्म में स्टूल बोल देंगे, और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे जो ऐसे पोर्ट्स होंगे जिसमें शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स होंगी हम उसको स्टूल पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रेंज। रेंज क्या है? रेंज है द डिस्टेंस दैट एन एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई विदाउट अ रिफ्यूलिंग। रिफ्यूलिंग के बिना जितना डिस्टेंस जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है उसी को हम बोल देंगे रेंज, ठीक है। दो टर्म्स है, मिनिमम टर्निंग रेडियस और मिनिमम सर्कलिंग रेडियस। मिनिमम टर्निंग रेडियस कैसे ड्रॉ करा जाता है, कैसे डिटरमाइन करा जाता है? अ लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ नोज गियर when it is at maximum angle of rotation is drawn। ये nose gear है ना, हमने discuss कर लिया था, जो nose के पास वाले जो wheels होंगे उसको हम nose gear बोलेंगे, ठीक है। तो ये nose gear को इसकी maximum angle of rotation पे ले आए हम, ठीक है, angle of turning of nose gear, ठीक है, ये maximum angle of rotation पे ले आए। फिर उसके बाद एक line इसके through हमने draw कर दी। फिर उसके बाद हमने क्या करना, अ लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ टू मेन गियर इज देन ड्रॉन। अब ये जो मेन गियर्स हैं दो, इनके थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसकी एक्सिस के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये एक हमें पॉइंट मिला है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन का है, वो है सेंटर ऑफ रोटेशन, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू लाइन्स। अभी जो हमने दो लाइन्स डिस्कस करी है इसके इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ रोटेशन। फिर उसके बाद लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन विद द टिप ऑफ द फार्दर विंग इज कॉल्ड मिनिमम टर्निंग रेडियस। अब ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन हमें मिल गया है, इससे हमने फर्दर वाले विंग को जो है ज्वाइन कर देना है। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें मिलेगा मिनिमम टर्निंग रेडियस, ठीक है। अब इसी को सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, ये जो है टर्निंग रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिनिमम टर्निंग रेडियस जो है ये और ये दोनों, ये रेडियस है सर्कल का, ये सेंटर है, थोड़ा सा ये सर्कल थोड़ा इस तरीके से लग रहा है, थोड़ा इस तरीके से होना चाहिए था, मतलब ये मैंने थोड़ा ड्रॉ सही से नहीं करा, बट ये सेंटर है और इससे इसे यहाँ पे ये रेडियस, सारे के सारे रेडियस सेम ही होंगे, है ना, सबकी वैल्यू, तो ये जो है ये मिनिमम टर्निंग रेडियस है, ठीक है। इसके सेंटर से हमने फार्दर वाले जो होगा, ये वाला विंग तो पास वाला विंग हो गया ना, ये इसके दूर वाला जो विंग होगा उससे हमने इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो ये लाइन है इसी को हमने कहना है, जो ये रेडियस है इसको हम कहेंगे मिनिमम टर्निंग रेडियस, और इसी को हमने रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल जो आपको दिख रहा है ये इसी को रेडियस मान के ड्रॉ करा हुआ है, और यहाँ से अगर हम इसके पास में जो पास वाला है पोर्शन, वहां से हमने ये जो डिस्टेंस है, यही सेम जो डिस्टेंस है, इक्वल जो होगा इसी डिस्टेंस के ये पोर्शन, ये वाला, इसी को हमने बोला हुआ है मिनिमम टर्निंग रेडियस, और इसको यहाँ पे हमने दिखा दिया हुआ, ठीक है, ये वाले पोर्शन में दिखा दिया हुआ,
ठीक है, ये हो गया मिनिमम टर्निंग रेडियस, इसी के अबाउट जो होगा प्लेन जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास टर्न करेगा इसके अबाउट, ठीक है, रोटेट नहीं करेगा, प्लेन जो होगा वो टर्न करेगा। मिनिमम सर्कलिंग रेडियस है, मिनिमम रेडियस इन स्पेस, ये जब प्लेन जो होगा मिनिमम टर्निंग रेडियस जो है ये जब मतलब लैंड कर चुका है एयरप्लेन अपने वो रनवे पे है वहां पे जब टर्न करेगा उसके लिए है मिनिमम टर्निंग रेडियस। मिनिमम सर्कलिंग रेडियस इज इन स्पेस, मिनिमम रेडियस इन स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर एयरक्राफ्ट टू टेक स्मूथ टर्न। स्मूथ टर्न जब स्पेस में उसको लेनी होगी उसके लिए मिनिमम सर्कलिंग रेडियस। इसके बाद है रनवे एनालिसिस एंड डिजाइन। रनवे जो है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड होती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, ठीक है, इसकी जो ओरिएंटेशन होगी विंड के हिसाब से होगी, ठीक है। सबसे पहले आएगा हेड विंड्स, इसमें सबसे पहली चीज आती है हेड विंड्स, ठीक है। हेड विंड्स क्या है, द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ, उसे बोलेंगे हेड विंड। हेड विंड्स क्यों होंगी, और मतलब जो लैंडिंग और टेक ऑफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो विंड्स होंगी उसको हम हेड विंड्स बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब इनका यूज क्या होता है, इनकी हेल्प से, हेड विंड्स की हेल्प से हमें ग्रेटर लिफ्ट मिलती है जो कि टेक ऑफ के टाइम पे यूजफुल होगी, ठीक है। और शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब लैंडिंग करी जाएगी तो बहुत ज्यादा उसमें हमें जो है मतलब अगर जब जो एयरक्राफ्ट है उसको मूव करना होगा, ठीक है, जैसे ये चलेगा चल चल के फिर उसके बाद इसने टेक ऑफ भी करना है फिर लैंडिंग भी करनी है तो इसको कुछ अपोज करने के लिए विंड्स होंगी ना, तो वो मतलब उसकी वजह से हमें शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो जल्दी टेक ऑफ भी कर पाएगा, जल्दी उसकी लैंडिंग भी हो जाएगी, मतलब कम डिस्टेंस में ही लैंडिंग हो जाएगी, तो शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे हम बना पाएंगे, ठीक है। एक तो हेडविंड्स का ये यूज हो गया। उसके बाद आती है क्रॉस विंड्स, ठीक है, फिर उसके बाद आती है क्रॉस विंड्स जो कि होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ विंड, ठीक है, ये होता है वी साइन थीटा। देखो ये है ना, यहाँ से ये विंड्स जो है इसका ये एक कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, एक हो जाएगा वी साइन थीटा, तो ये जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट है इसको हम बोलेंगे क्रॉस विंड्स। अब इसकी परमिसिबल लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 15 kmph स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए और 25 kmph स्मॉल एयरक्राफ्ट में अगर मिक्स ट्रैफिक है उसके लिए, और अगर 35 kmph फॉर बिग एयरक्राफ्ट, बड़े एयरक्राफ्ट के लिए 35 kmph। कई जगह पे आपको बड़े एयरक्राफ्ट के लिए 25 kmph भी दिखेगा, उसका भी कोई इशू नहीं है, अगर आपको ऑप्शन में 35 दिख जाता तो 35 लगा देना, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो 25 आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है विंड कवरेज। विंड कवरेज क्या है, परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर द नॉर्मल कॉम्पोनेंट रिमेन्स विद इन द परमिसेबल लिमिट, उसे कहेंगे विंड कवरेज, और इसका यूज करा जाता है, इसको यूज करके हम जो है एयरक्राफ्ट का एयरपोर्ट वगैरह जो है उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर विंड डाटा जो है वो कैसे मतलब प्रेजेंट करा जाता है, विंड डाटा हमें डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी जो है, विंड की डायरेक्शन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी हो जाएगी वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ड्यूरेशन हो जाएगी टाइम पीरियड, है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो होगी विंड होगी, ठीक है, अलग अलग स्पीड से आएगी, और डायरेक्शन हमें पता है कि अलग अलग डायरेक्शन से विंड आ सकती है, ठीक है। तो विंड का पूरा एक डाटा प्रिपेयर करा जाता है, और कैसे करा जाता है, विंड रोज डायग्राम की हेल्प से प्रिपेयर करा जाता है। अब ये रोज की तरह थोड़ा दिखती है डायग्राम्स, तो विंड रोज इसको बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हमने ये देखो इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सपोज ये मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारे पास है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। अब इसको मैं फिर से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, है ना, इस तरीके से ये साउथ साउथ वेस्ट आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब इसको मैं एक और बार डिवाइड कर दूं, अगर ये देखो इस तरीके से इसको भी डिवाइड कर दिया, और क्या रह गया, ये रह गया, ठीक है, मतलब ये जो है अगर हम नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे देखो एक दो
तीन और चार, मतलब सबको चार जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं इनको हमने चार पार्ट्स में कर दिया है, मतलब 16 पार्ट्स में ये हमारे पास एक सर्कुलर डायग्राम जो है 16 पार्ट्स में आ गए। और ठीक है, तो इसमें विंड जो वेलोसिटी है उसका डाटा दिया जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 360 डिग्री इंटू 16 पार्ट्स हमने डिवाइड करा तो 22.5 डिग्री एंगल का एक जो है एक इसमें ब्लॉक आएगा, एक ये जो होगा ये वाला एक एंगल हो जाएगा, ये आ जाएगा पूरा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा विंडरोज डायग्राम्स। अब जो है विंडरोज डायग्राम दो तरीके की हो सकती है, ये टाइप टू है, ठीक है। टाइप वन होगी डायरेक्शन और ड्यूरेशन बताने वाली, जो विंड की डायरेक्शन और ड्यूरेशन बताएंगी, और टाइप टू में डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पता चलेगी, ठीक है, विंड की। फिर उसके बाद आता है काम पीरियड। काम पीरियड क्या है? व्हेन द विंड इंटेंसिटी इज लेस देन 6.4 KMPH, अगर विंड इंटेंसिटी 6.4 KMPH से कम है तो उसे कहेंगे काम पीरियड। बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ जो होगी, ठीक है, ये डिपेंड किस पे करेगी? सबसे पहले तो ये चीज आती है कि ये डिपेंड करती है नॉर्मल लैंडिंग पे, नॉर्मल टेक ऑफ पे और इंजन फेलियर केसेस पे, ठीक है। ये तीन चीजों पे बेसिक रनवे की जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल लैंडिंग कौन सी होगी? नॉर्मल लैंडिंग क्या होगी? 60% डिस्टेंस जो है लैंडिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है जो प्लेन है उसको रुकना चाहिए, ठीक है, स्टॉप करना चाहिए, उसके बाद रुक जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखो मैंने ड्रॉ करा है कि ये जब लैंडिंग हो रही है उस टाइम पे एयरक्राफ्ट जो है वो 60% डिस्टेंस लैंडिंग का चलने के बाद उसको रुकना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक होगा, और शुरुआत में जो डिस्टेंस वो कवर होता है ना, जो जब वो लैंडिंग करनी होती है उसने, तो शुरुआत में जो रनवे पे डिस्टेंस आता है उसको हम थ्रेशोल्ड बोल देते हैं, ठीक है। जो शुरुआत का डिस्टेंस लैंडिंग में यूज होता है। फिर होता है नॉर्मल टेक ऑफ। नॉर्मल टेक ऑफ में टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस एक होगा, ठीक है, यहां से लिफ्ट करेगा एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है 115% ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और टोटल टेक ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? जो 10.5 मीटर जो है वो एयरक्राफ्ट हवा में पहुंच चुका है, और लैंडिंग जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाला था वहां से जो डिस्टेंस है पूरा 10.5 मीटर एयर में है, वो वहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल उसको कहेंगे टेक ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल टेक ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक होता है इंजन फेलियर केस, ठीक है। इंजन फेलियर में क्या होगा कि लैंडिंग टेक ऑफ करने वाली है, जो एयरप्लेन है वो टेक ऑफ करने वाला है, इतने में रियलाइज हुआ कि जो पायलट है उसे पता चलता है कि कोई इंजन है उसमें कुछ फेलियर है या कुछ इस तरीके से पता चलता है, तो मतलब कि टेक ऑफ करने ही नहीं मतलब दिया जाता है एयरप्लेन को, और उसको और ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब रनवे जो होगा उसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें स्टॉप वे करके डिस्टेंस होगा थोड़ा, और या फिर और थोड़ा उससे भी ज्यादा क्लियर वे करके डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ज्यादा डिस्टेंस रखा जाएगा। तो ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं रनवे की लेंथ को, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इंजन फेलियर केस में भी मैं बता दूं कि इंजन फेलियर केस जो है उसमें रिक्वायरमेंट होती है, एक तो क्लियर वे जितना डिस्टेंस होगा वो भी चाहिए होगा, स्टॉप वे जो है वो भी, उन दोनों में से कोई एक भी यूज करा जा सकता है या फिर दोनों जो है दोनों ही कई बार चाहिए होंगे, ठीक है। तो इंजन फेलियर केस थोड़ा आपने समझ लिया, ठीक है, ये सब चीजों से समझ क्या आता है कि रनवे की लेंथ ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, इनकी वजह से हमें लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और कुछ एजम्पशंस हैं। अब इसकी अगर हमें लेंथ जो है उसमें करेक्ट लेंथ जो है उसको रखने के लिए कुछ एजम्पशंस हमें देखनी पड़ेंगी, ये सारी एजम्पशंस हैं। और ये अगर एजम्पशंस सही नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि पहली एजम्पशन है नो विंड इज ब्लोइंग, ठीक है, सबसे पहले हमने एज्यूम करना है कि कोई भी विंड बिल्कुल ब्लो नहीं कर रही है, नो विंड इज ब्लोइंग। दूसरा है कि एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है। फिर है एयरपोर्ट ऑल्टीट्यूड एट सी लेवल, सी लेवल पे होगा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। रनवे एलिवेटेड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेवल्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, रनवे जो है वो पूरी तरह से लेवल्ड है, उसमें जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट है,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है, ठीक है, ये सारी एजम्पशंस है। अगर एयर जो एयरपोर्ट है वो इन्हीं सब कंडीशंस में है तो हमने जो लेंथ ली होगी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने सही ली हुई है। मतलब अगर ये सब में से कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं तो हमें करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, वो हम करेक्शंस अब हम देखेंगे। इसके बाद है करेक्शन अप्लाइड टू बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ पे क्या क्या करेक्शंस अप्लाई करनी है हमें। सबसे पहली करेक्शन है करेक्शन फॉर एलिवेशन। बेसिक रनवे लेंथ इज इंक्रीज्ड 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल हमने एज्यूम करा था, अब अगर ये मीन सी लेवल पे नहीं है, 300 मीटर राइज कर जाता है जो रनवे है कि उसकी एलिवेशन 300 मीटर, कहीं और हम ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे 300 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर है, तो 7% हम रनवे लेंथ जो होगी वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड करेक्शन फॉर टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड, इसको कैलकुलेट करना हमने। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारा एल्टीट्यूड हमें दिया गया होगा उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो हम करेंगे 15 डिग्री माइनस 6.5 डिग्री अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय आरएल, जो भी हमारे पास आरएल दिया होगा। अगर 300 मीटर का राइज हुआ है मीन सी लेवल से तो 300 आरएल हो जाएगा, 200 का हुआ होगा तो 200 हो जाएगा, उस हिसाब से न्यूमेरिकल के हिसाब से ये होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उस जगह का स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने निकाल लिया 15 डिग्री माइनस 6.5 डिग्री अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय आरएल जो होगा, ठीक है, ये हमने निकाला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। फिर एआरटी इज द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ये है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आएगा टेम्परेचर वेयर एयरपोर्ट इज लोकेटेड। अब जहाँ पे लोकेट करा गया है वहाँ का जो टेम्परेचर होगा उसको हम एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर बोलेंगे, और ये डिफाइंड है फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर के जो हॉटेस्ट मंथ होगा, जो सबसे हॉटेस्ट होगा उसके लिए ये डिफाइंड है। तो ये एआरटी हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, हो जाएगा टीए प्लस टीएम माइनस टीए अपॉन 3। अब ये टीए क्या है, एवरेज डेली टेम्परेचर, जो डेली टेम्परेचर होगा उसका एवरेज, और टीएम क्या है, मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। मैक्सिमम डेली टेम्परेचर जो होगा हमने हर एक डे का निकाला होगा, ठीक है, उसका पूरा मंथली मीन निकाल देना है, ठीक है, डिवाइड बाय 30 करके जितने भी आएगी हमारे पास मैक्सिमम डेली टेम्परेचर्स जो होंगे उसको डिवाइड बाय 30 करके उसका मीन निकाल लेना है, मंथली मीन, और ये हमें मिल जाएगा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। अब बेसिक रनवे लेंथ इंक्रीज करी जाएगी 1% पर 1 डिग्री राइज एट एआरटी। एआरटी जो होगा अबव स्टैंडर्ड जो होगा, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर हमारे पास सपोज ये आ गया है 16 डिग्री, ठीक है, और एआरटी जो है वो हमारे पास आ रहा है 17 डिग्री, तो ये 1% पर 1 डिग्री राइज एट एआरटी अबव स्टैंडर्ड, मतलब 1 डिग्री राइज हुआ ना तो 1% हम रनवे लेंथ इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इस हिसाब से आपको समझ आना चाहिए। अब ये न्यूमेरिकल करेंगे तो और बेटर आपको चीजें समझ आएंगी। अब हमें एक चीज याद रखनी है, ये एलिवेशन करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन किसने दिए, ICAO ने दिए, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने अपना एक चेक भी दिया है ICAO ने, करेक्शन फॉर टेम्परेचर प्लस एलिवेशन, दोनों का करेक्शन जो है वो दोनों का करेक्शन नॉट ग्रेटर देन 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ। अगर रनवे लेंथ कुछ दी हुई है, सपोज एक्स दी हुई है, तो एक्स से ये नॉट ग्रेटर देन 35% नहीं होने चाहिए, 35% ग्रेटर नहीं होने चाहिए, प्लस 35x इतने तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, 0.35, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 0.35x से ज़्यादा और इंक्रीज नहीं करना है इसको, नॉट ग्रेटर देन 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ। ये करेक्शन लगा के बाद हमने इंक्रीज करी है ना लेंथ, तो हमने 35% से ज़्यादा जो लेंथ है उसकी ओरिजिनल लेंथ की 35% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी है, ठीक है, ये हमारी एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन के लिए है।
अब एक और करेक्शन है जो किसने दी है, हमें FAA ने दी है। ये करेक्शन हमें FAA ने, फेडरल एविएशन एजेंसी ने दी है। करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, 20% इंक्रीज पर 1 डिग्री ग्रेडियंट। अगर 1 डिग्री का ग्रेडियंट आ जाता है तो उसके लिए हमें 20% इंक्रीज कर देनी है रनवे की लेंथ को। ठीक है, ये सब करेक्शंस का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल जो होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है एलिवेशन और टेम्परेचर और ग्रेडियंट भी दिया हुआ, तो आपको तीनों ही करेक्शंस लगानी है। अगर 2 दिए तो दोनों लगानी है, 3 दिए तो तीनों की तीनों लगा देनी है। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल है। द लेंथ ऑफ रनवे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 2000 मीटर, द एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट इज 300 मीटर, रेफरेंस टेम्परेचर इज 33.05 डिग्री सेल्सियस, रनवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद एन इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ 0.25%। ठीक है, करेक्टेड रनवे लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हमने जो जो दिया हुआ हमें वो लिख देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे रनवे लेंथ जो है, रनवे लेंथ ऑफ रनवे, लेंथ ऑफ रनवे क्या दी हुई है हमें, ये दी हुई है हमारे पास 2000 मीटर। ठीक है, और एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट दी हुई है, मतलब हमें एलिवेशन दी हुई है। एलिवेशन कितनी दी हुई है, ये हमें 300 मीटर दी हुई है। ठीक है, ऑफ द इफ द रेफरेंस टेम्परेचर, देखिए ये एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट जो दी हुई है, ये एक तरह से RL हो गया, मतलब मीन सी लेवल से इतना रेज्ड है ये। ठीक है, 300 मीटर। ठीक है, ये आगे एलिवेशन, फिर रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर जो दिया हुआ, ये एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ, ये हमारे पास डायरेक्टली इन्होंने इस क्वेश्चन में ART दे दिया हुआ। ठीक है, ये आ जाएगा 33.05 डिग्री सेल्सियस एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। फिर उसके बाद इफ द रनवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद एन इफेक्टिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट दिया हुआ है हमारे पास, इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया हुआ है, इफेक्टिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 0.25%। ठीक है, करेक्टेड रनवे लेंथ निकालनी है, तो हमें सबसे पहली जो करेक्शन लगानी है, करेक्शन फॉर फॉर एलिवेशन, एलिवेशन के लिए करेक्शन लगाएंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास 7% किसके लिए लगाते हैं, 7 पर 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर के राइज के लिए हम 7% की करेक्शन लगाती है, मतलब 7% जो है इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं हम जो एयरपोर्ट की लेंथ है। ठीक है, हमें दी हुई है 2000 मीटर की दी हुई है, तो मतलब एक 7% हम इंक्रीज करेंगे 300 मीटर के लिए। ठीक है, 300 मीटर के लिए 7% इंक्रीज करेंगे, 1 मीटर के लिए कितना करेंगे, 7/300%। ठीक है, इतना हमने इंक्रीज करना है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा करेक्शन फॉर एलिवेशन हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हमारे पास है पहले से जो है हमारी लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 7/3000, इतना परसेंट। ठीक है, परसेंट के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये कोई वैल्यू है इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया इतना परसेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास, और कितना हमारे पास एलिवेशन है, हमें एलिवेशन जो गिवन है वो 300 मीटर की ही एलिवेशन दी हुई है, तो ये 300 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देती हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 300 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, ये जो है ये हो गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से मैं इसको ढंग से थोड़ा लिख देती हूँ, 300 इंटू 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 300। ठीक है, ये 300 कैंसिल हो गया, ये वाले 100 के साथ ये दो जीरोस कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा ये 140। ठीक है, 140 इसकी मीटर जो है हमें रेज करना है, तो हमारे पास करेक्टेड लेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी 2000 प्लस 140 मीटर, तो ये आ जाएगी 2140 मीटर हमारे पास करेक्टेड लेंथ। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास करेक्शन किस चीज की, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ठीक है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर उस लोकेशन ऑफ लोकेशन। ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का हम निकालेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो निकालते हैं हम 15 डिग्री सेल्सियस -6.5 डिग्री / 1000 मल्टीप्लाइड बाय
RL of that place, ठीक है, या RL of that place, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 degree minus 6.5 degree upon 1000 multiplied by 300, क्योंकि हमारे पास जो RL है वो 300 है, और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13.05, ठीक है, ये आएगा 13.05 degree हमारे पास आ गया, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ गया, और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 33.05 डिग्री सेल्सियस। अब करेक्शन जो है वो करेक्शन के लिए इसमें क्वेश्चन ये था हमारे पास कि 1 डिग्री राइज के लिए, 1 डिग्री जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 1% इंक्रीज कर देनी है हमने रनवे लेंथ, मतलब इसका 1:1 का है, ठीक है, 1% इंक्रीज करेगा अगर डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो 1% हमने रनवे लेंथ इंक्रीज कर देनी है। तो यहाँ पे कितना बड़ा है पहले तो हमें ये चेक करना है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जो है हमारे पास है 33.05 और स्टैंडर्ड था 13.05, तो अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे मतलब ये हमारे पास इंक्रीज आया है, इंक्रीज कितना आया है, इंक्रीज हमारे पास आया है 33.05 माइनस 13.05, ये हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आया है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने करा तो आया है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास करेक्टेड रनवे, करेक्टेड रनवे, रनवे लेंथ ये आ जाएगी हमारे पास, करेक्टेड लेंथ आ गई हमारे पास कितनी आएगी, ये आ गया 2140 प्लस, अब करेक्शन लगाएंगे जब तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस है मतलब 1 डिग्री के लिए 1% का, तो 20 डिग्री के लिए 20% इंक्रीज कर देंगे, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2140, ठीक है, ये हमारी करेक्टेड रनवे लेंथ हो जाएगी जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2568 मीटर, ठीक है। अगर हम ये देखें अब, ठीक है, अब हमें पता है कि 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35% से ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो जानी चाहिए अब इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हमने चेक करना है, चेक कैसे लगाना है, चेक लगाएंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 2568 हमारी जितनी आई है अभी तक की करेक्टेड लेंथ माइनस हमारी जो एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है, रनवे लेंथ वो हमारे पास 2000 हमें दी हुई थी स्टैंडर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है इससे हमें पता चल जाएगा, 2568 जो था इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने इंक्रीज कर दिया इसको, ये ऑलमोस्ट ना 28 पॉइंट समथिंग ये परसेंट आएगा, ठीक है, मतलब ये 35 से जो है 35 से ये कम ही है एक तरह से, 25% 35 से कम ही है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं अब तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है करेक्शन फॉर, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के लिए करेक्शन जब हमने लगानी है, ग्रेडियंट के लिए जब हम करेक्शन लगाते हैं तो 20% इंक्रीज पर 1% ग्रेडियंट, ठीक है, 1% ग्रेडियंट के लिए, ग्रेडियंट के लिए हमें 20% इंक्रीज कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास कितना ग्रेडियंट है, हमारे पास ग्रेडियंट दिया हुआ है 0.25% का ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास 1% ग्रेडियंट होता तो 20% इंक्रीज करते, तो अगर हमारे पास 0.25% है तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स 0.25%, ठीक है, ये परसेंट और ये डिवाइडेड बाय 100 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है हमारी 2568 मीटर जो हमारी लेंथ आई है अब तक की लेंथ से, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128.4, ठीक है, 128.4 हमारे पास मीटर इसकी करेक्टेड करेक्शन आ गई, ठीक है, ये हमारे पास है करेक्शन, ये हमारी है करेक्शन, तो करेक्टेड लेंथ क्या होगी, करेक्टेड लेंथ हमारे पास हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2568 प्लस 128.4, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2700 मीटर। अब इस न्यूमेरिकल में हम इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक
ठीक है, अगर इस न्यूमेरिकल में जैसे इफेक्टिव ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हमें इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो निकालेंगे, और दूसरे इसके बाद वाले न्यूमेरिकल में अगर एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो वो कैसे निकालना है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसमें इफेक्टिव जो ग्रेडियंट है वो कैसे निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल लेंथ रनवे की दी हुई है 1000 मीटर, और एलिवेशन दी हुई है अलग अलग डिस्टेंस पे, 0 मीटर के डिस्टेंस पे अलग दी हुई है एलिवेशन, ठीक है। ये 0 मीटर है, सपोज ये 0 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, फिर उसके बाद 200 मीटर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 400 मीटर हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 600 मीटर, फिर आ जाएगा 800 मीटर, ठीक है, फिर 1000, है ना, 1000 मीटर तक की इसकी रनवे की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना है और इनकी एलिवेशन दी हुई है, 0 मीटर के ऊपर एलिवेशन जो है वो 100 मीटर यहाँ पे एलिवेशन है, ठीक है, और जो 200 है यहाँ पे 99.2, ठीक है, यहाँ पे है ये 99.2, फिर उसके बाद यहाँ पे है 101, 101, फिर 108, 101.8, 101.8, ये आ जाएगा 101.4, फिर उसके बाद यहाँ पे है ये 101, मतलब ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से कुछ एलिवेशन दी हुई है, ठीक है, एलिवेशन इस तरीके से दी हुई है, ये इस तरीके से एक जो है रनवे है, ठीक है। तो हमें अगर इसका इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना हो, इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट हो जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव ग्रेडियंट होगा मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ रनवे, रनवे डिवाइड करना है इसको टोटल लेंथ ऑफ रनवे से, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आ जाएगा, मैक्सिमम जो हाईएस्ट वाला है ये आ जाएगा 101.8 माइनस 99.2, ठीक है, ये वाला लोएस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया, और हमारे पास जो ये है लेंथ है वो 1000 मीटर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2. ये आ जाएगा 2.6, है ना, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब कि 0.26 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.26% आ गया हमारे पास इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब ये है फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एट द प्रपोज्ड एयरपोर्ट साइट द मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेल्सियस, मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर कितना है, टी इज इक्वल्स टू 39 डिग्री सेल्सियस, मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज 48 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ इज 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस, मंथली मीन है इसके, ठीक है, तो ये आ गया 48 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेम मंथ ऑफ द ईयर। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, वो हो जाएगा हमारे पास टी ए एवरेज डेली टेम्परेचर प्लस टी एम मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम मंथली मैक्सिमम डेली, ठीक है, अपॉन टी ए अपॉन 3, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39 प्लस 48 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 39 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 और ये प्लस है यहाँ पे 39 प्लस 3 42 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ गया एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अब आप एयरपोर्ट का जो बेसिक रनवे लेंथ वाला जो पोर्शन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में, इसी से करेक्शंस जो ये तीनों है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता और कुछ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप कवर कर चुके हो। तो अब हम आते हैं टैक्सी वे पे, टैक्सी वे क्या है,
पाथ ऑफ टैक्सिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब रनवे तक पहुंचने के लिए जो रनवे हमारे पास होता है, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए जो पाथ एक एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग जो होगी वहां से ये कवर करता है और फिर उसके बाद यहाँ पे रनवे तक पहुंचता है, वो जो पाथ वो लेता है, ठीक है, जो भी वो पाथ लेगा उसको वो बोलेंगे टैक्सी वे, ठीक है। टर्निंग रेडियस जो होगा, अब इस पे टर्निंग रेडियस का एक जो है क्राइटेरिया है वो हमें कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक फ्रिक्शन क्राइटेरिया, एक हॉर्नजेफ्स इक्वेशन है, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। टर्निंग रेडियस जो होगा वो मिनिमम जो होगा टैक्सी वे पे, टर्निंग रेडियस मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है 180 मीटर सुपरसोनिक के लिए और 120 मीटर सबसोनिक के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल्स टू टर्निंग रेडियस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ। एफ क्या है? कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर उसके बाद है हॉर्नजेफ्स इक्वेशन जो है, इसके अकॉर्डिंग आर इज इक्वल्स टू 0.388 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 0.5 टी माइनस एस। अब ये डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है व्हील बेस, ठीक है, व्हील बेस। और यहाँ पे टी क्या है? टैक्सी वे विड्थ, ठीक है। एस क्या है? हाफ ऑफ ट्रेड ऑफ मेन मेन गियर्स, लैंडिंग गियर्स, मेन लैंडिंग गियर्स प्लस 6 मीटर, ठीक है। हाफ ऑफ ट्रेड ऑफ मेन लैंडिंग गियर्स प्लस 6 मीटर हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इसी से रिलेटेड मैंने ये एक न्यूमेरिकल भी लिख के रखा हुआ है, ठीक है, हम ये सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्हील बेस जो होगा यहाँ पे, ये हमारे पास अगर एक बोइंग एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, बोइंग एयरक्राफ्ट होगा तो उसके लिए व्हील बेस हमारे पास 17.7 मीटर होगा, और हमारे पास गियर ट्रेड जो होगा, ठीक है, ये गियर ट्रेड जो होगा ये हमारे पास 6.62 होगा, ठीक है, 6.62 होगा और उसका हाफ हमें लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप याद रख सकते हो, मतलब ऐसे देख के क्वेश्चन को समझ सकते हो कि अगर इतना ज्यादा व्हील बेस अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, और इस तरीके से ये दिख रहा है, मतलब ये वाले ही फॉर्मूला से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और मिनिमम टर्निंग रेडियस इस केस में जो आएगा, बोइंग एयरक्राफ्ट के केस में आएगा, मिनिमम टर्निंग रेडियस 32.7 मीटर है, ठीक है, अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक है। तो हम अब जो हमारा न्यूमेरिकल है इस पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि व्हाट शेल बी द रेडियस ऑफ एन एग्जिट टैक्सी वे विद एग्जिट स्पीड ऑफ, स्पीड दी हुई है 90 km/h और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.313 दी हुई है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ, ठीक है। वी स्क्वायर हो जाएगा 90 स्क्वायर अपॉन 125 इंटू 0.13, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 499 पॉइंट समथिंग या फिर 98 के करीब आ रही है, ठीक है, वैल्यू। तो ये आ जाएगा 500 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका टर्निंग रेडियस, जो टैक्सी वे में एग्जिट में टर्निंग रेडियस क्या आएगा, ठीक है। टैक्सी वे है, इसके ज्योमेट्रिक डिजाइन का कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये सब भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें जो लेंथ होगी इसकी एज शॉर्ट एज पॉसिबल होगी, ठीक है, टैक्सी वे की लेंथ शॉर्ट रखनी है हमें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जो होगा, हमारे पास अलग अलग टाइप के एयरपोर्ट्स होते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से अलग अलग टाइप के एयरपोर्ट्स होंगे, ठीक है। ए और बी जो एयरपोर्ट होगा, ए एंड बी टाइप एयरपोर्ट में हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जो होगा वो 1.5% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और सी डी और ई एयरपोर्ट में, इन टाइप के एयरपोर्ट्स में ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन 3%, मतलब 3% से ज्यादा नहीं हो सकता लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ट्रांसवर्स ग्रेडियंट ए बी सी के लिए नॉट ग्रेटर देन 1.5%, और मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेडियंट जो होगा ए बी सी के लिए नॉट ग्रेटर देन 1%, और डी और ई के लिए ट्रांसवर्स और मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेडियंट दोनों ही नॉट ग्रेटर देन 2%, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हो। अब जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको पार्क करा जाता है एक स्पेस में, गेट जो होंगे गेट्स के थ्रू निकला जाएगा, वहां से पैसेंजर्स निकलेंगे और उनकी पार्किंग स्पेस के पास गेट्स होंगे, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट पार्किंग स्पेस एडजेसेंट टू द टर्मिनल बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग के पास में, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्मिनल बिल्डिंग है ना, इसके पास में यहाँ पे ये गेट्स हैं, ठीक है, ये गेट पोजीशंस हैं,
ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ये टर्मिनल बिल्डिंग है, यहाँ से पैसेंजर्स आएंगे और इसके ऊपर बैठेंगे और फिर उसके बाद टैक्सी वे से होके ये रनवे की तरफ एयरक्राफ्ट जाएगा। ठीक है, तो ये जो गेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इन गेट्स की नंबर ऑफ गेट पोजीशंस कितनी होंगी उसके लिए एक फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ गेट पोजीशन इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ रनवे डिवाइडेड बाय 60 × 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देना एवरेज गेट ऑक्यूपेंसी टाइम से। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ये एक न्यूमेरिकल मेरे को मिला है। तो ये है कि एन एयरपोर्ट हैज 4 गेट्स इफ द वेटेड एवरेज गेट ऑक्यूपेंसी टाइम इज 30 मिनट्स एंड द गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.5 देन द कैपेसिटी ऑफ गेट विल बी ऑफ द गेट विल बी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गेट पोजीशंस हमें पूछी मतलब इसमें होती है, फॉर्मूला में निकालते हैं, लेकिन नंबर ऑफ गेट्स तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू और कैपेसिटी ऑफ रनवे हमें निकालना है। ठीक है, कैपेसिटी है हमारे पास, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 60 × 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज गेट ऑक्यूपेंसी टाइम कितना है हमारे पास 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट कैपेसिटी क्या आ गई यहाँ से, ये आ गया 4 × 2 × 2 यानी कि 16 क्या है, 16 एयरक्राफ्ट पर आर एक गेट की कैपेसिटी है। ठीक है, एयरक्राफ्ट पर आर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटी। ठीक है, अब स्टैफोर्ड जो है इनके अकॉर्डिंग फ्यूचर गेट्स अगर हमें कितने चाहिए हैं उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट गेट्स जितने भी हैं −2 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर पैसेंजर्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट पैसेंजर्स। ठीक है, ये इसी को हमने इसमें ऐड कर देना है, 2 हमें मिल जाएंगे फ्यूचर गेट्स। तो इस पे बेस्ड ये एक न्यूमेरिकल है, इन एन एयरपोर्ट इफ 4 ग्रुप ऑफ 5 गेट्स मतलब कि 5 × 4 हो जाएगा, ये 20 गेट्स होंगे। ठीक है, टोटल 4 ग्रुप ऑफ 5 गेट्स, ठीक है, 20 गेट्स टोटल हो गए, कि ईच लोकेटेड वेल सेपरेटेड आर कंसिडर्ड फॉर ट्रैफिक एंड द फ्यूचर टू प्रेजेंट ट्रैफिक रेशियो इज 3, देन द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर गेट्स विल बी, कितनी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर गेट्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हम फ्यूचर गेट्स की डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम बता सकते हैं फ्यूचर गेट्स जो होंगे वो कितने होंगे। प्रेजेंट गेट कितने हैं हमें पता है कि 5 × 4 यानी कि 20 है प्रेजेंट गेट्स। ठीक है, इसमें से 2 माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर प्रेजेंट पैसेंजर्स अपॉन प्रेजेंट पैसेंजर्स। ठीक है, तो जो कि हमें दिया हुआ है फ्यूचर टू प्रेजेंट ट्रैफिक रेशियो। ठीक है, यही हमारे हो जाएंगे फ्यूचर पैसेंजर्स, यही तो होता है फ्यूचर ट्रैफिक और प्रेजेंट ट्रैफिक जो है वही तो हो गया हमारे फ्यूचर पैसेंजर्स और प्रेजेंट पैसेंजर्स। ठीक है, तो इसी की रेशियो आ जाएगी 3, ये हमें दी हुई है और इसमें हमें 2 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 20 − 2 यानी कि 18 × 3 + 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 56। ठीक है, 56 आंसर आएगा, बट ये जो क्वेश्चन है ये ESC का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या था कि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो मैच कर रहा था, ये सब ऑप्शंस थे 44 और 68। ठीक है, तो ज्यादा गेट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो हम ज्यादा वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं।